हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग भूगोल का सीरीज देख रहे थे जिसमें एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को कराया जा रहा है और जिसमें आपको 10 प्रश्न देखने को मिल रहा होगा। और हम लोग कितने सीरीज नंबर तक देख चुके हैं, तो हम लोग 18 तक देख चुके हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो कौन सा नंबर का है, 19 नंबर का है। और ये जो हम लोग सीरीज करा रहे हैं, ये आपको बीपीएससी बिहार दरोगा और शिक्षा भर्ती को ध्यान में रख के ही करा रहे हैं। और अन्य एग्जाम जैसे आप देख रहे हैं बिहार में, जैसे अभी बिहार पुलिस का बहाली आया है, ये सब में भी अगर कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जो करा रहे हैं उसमें से आप लोग को नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया भूगोल का सीरीज जो हम लोग करा रहे हैं। लेकिन इससे पूर्व जो उस प्रश्न को पहले देखने से पहले कुछ आज देखना चाह दिखाना चाहते हैं हम आप लोग को। तो ये जो आप पीक देख रहे हैं, ये क्या है? एक पीक है। ये बहुत ही बड़ी हमारे देश के लिए या हम लोग के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं कि सफलता का दिन है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। क्यों है? क्योंकि ये जो आप पीक देख रहे हैं, किसका पीक है? थोड़ा पेन ले लेते हैं। ये आप जो पीक देख रहे हैं ना, ये चंद्रयान 3 है। क्या है? चंद्रयान 3 है, जिसका लॉन्चिंग आज हुआ है और सफलता पूर्वक पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश कर गया है। और ये लगभग 40 दिन का यात्रा करेगा। इसके बाद ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। कहाँ उतरेगा? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। इससे पूर्व 2019 में हम लोग का चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और वो सफलतापूर्वक तो पृथ्वी के कक्षा में प्रवेश किया था, लेकिन जैसे ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर प्रवेश किया और लैंडिंग किया, तो उसका रोवर जो था वो क्रैश कर गया था। तो हम लोग के लिए वो सफलता का कहें तो नहीं सफल हो पाया था। लेकिन अगर चंद्रयान 3 सफल हो जाता है, तो पूरे विश्व के पहला ऐसा देश होगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में, अपना रोवर को उतारने में भारत सफल होगा। और आज हमारे जो भारत है, विश्व के चौथा महाशक्ति के रूप में शामिल हो गया है। किस चीज़ में? तो अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष यान में कहें तो विश्व के चौथा महाशक्ति के रूप में। ये तो हमारा हो गया। और ये लॉन्च कब हुआ था? तो आज 14 जुलाई, सॉरी, ये 14 जुलाई को हुआ था। और ये कब हुआ? तो 2:35 दोपहर में, 2:35 में दोपहर में। और दिन कौन सा है? शुक्रवार। क्या है? शुक्रवार है। और ये 2023 के 14 जुलाई को लॉन्च हुआ है, सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। और लॉन्च कहाँ से हुआ है? तो श्रीहरिकोटा के 37 धवन से। और श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो हमारा आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो ये हमारा हो गया। हम लोग का प्रश्न देखते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न जो होगा, हम लोग का पहला प्रश्न है, उलान बटोर किस देश की राजधानी है? प्रश्न क्या है? उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो आप लोग को बताना है कि किस देश की राजधानी है। पूछता है बीपीएससी में, बिहार दरोगा में पूछता है और शिक्षा भर्ती में भी पूछेगा। इससे पहले जो लेता था बीपीएससी, उसमें भी पूछा हुआ है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये किसका राजधानी है? तो ये मंगोलिया का है। किसका है? मंगोलिया का है। अगर हम मंगोलिया का बात कर रहे हैं, तो मंगोलिया किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में। कहाँ है? एशिया में है, एशिया महाद्वीप में है। और ये स्थल रुद्ध देश है। क्या है? स्थल बंद कह सकते हैं, स्थल रुद्ध कह सकते हैं, स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश में। अगर एशिया में बात करें कि मंगोलिया का स्थान क्या है, तो दूसरा स्थान है। इससे पूर्व में एक जो है कजिकिस्तान है। क्या है? कजिकिस्तान। ये जो है एशिया का सबसे बड़ा देश है जो स्थल रुद्ध है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मंगोलिया है। और मंगोलिया में ही क्या है? गोबी मरुस्थल है। क्या है? गोबी मरुस्थल।
गोबी मरुस्थल है और एशिया का ये सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। आप देख रहे हैं टर्की, टर्की है, कौन है ये? टर्की देश का अगर हम बात करें किस महाद्वीप में, तो इसका विस्तार एशिया और यूरोप दोनों में है। कहाँ है? एशिया, एशिया और यूरोप दोनों देश में इसका विस्तार है। और टर्की को ही हम लोग तुर्की भी बोलते हैं। और अभी ये चर्चा में था तुर्की, क्यों, किस लिए था? तो फरवरी में यहाँ बहुत ही विनाशक भूकंप आया था, बहुत महाविनाशक भूकंप आया था, जो बहुत ही हानि हुआ था। क्या हुआ आया था यहाँ पर? तो 2023 के फरवरी में भूकंप आया था और ये यहाँ पर अगर भूकंप का बात करें तो भारत अपना एक इसके सहायता के लिए एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का क्या नाम था? तो दोस्ती। क्या था? ऑपरेशन, ऑपरेशन दोस्ती। इसकी राजधानी की बात करें, इसकी टर्की की राजधानी की बात करें, तो इसका राजधानी होगा अंकारा। क्या है? अंकारा। ये तो हमारा टर्की हो गया। अब हम देख रहे हैं घाना। क्या? घाना की राजधानी की बात करें तो घाना की राजधानी हो गया गाम्बिया। क्या है? गाम्बिया इसकी राजधानी है, ये अफ्रीका महादेश में है, ये अफ्रीका महादेश में है। टर्की का विस्तार यूरोप और एशिया दोनों में है। इसके बाद आप देख रहे हैं कम्बोडिया। क्या है? कम्बोडिया। और कम्बोडिया का बात करें तो ये दक्षिण दक्षिण पूर्व एशिया का देश है। कहाँ है? दक्षिण पूर्व एशिया का। इसका राजधानी की बात करेंगे तो फोनो पेन है। क्या है? फोनो पेन। ये कहाँ है? तो एशिया में स्थित है। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। हम लोग का दूसरा प्रश्न है, और अगर आप लोग को भूगोल देखना है तो ये बहुत ही अच्छा है। हम लोग प्रीवियस ईयर पर जो भी प्रीवियस ईयर पर आधारित उसी पर बनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का सेट बनाते होंगे तो उसमें से आपको देखने को मिलेगा ये हमारे जो प्रश्न है। और ये प्रश्न में अगर हम बात करें कि बीपीएससी में ज्योग्राफी कितना पूछता है, तो लगभग आप देखेंगे तो 20 से 25 पूछता है करेंट से जोड़ के। और दरोगा के बात करें तो दरोगा लगभग 15 पूछता है। ये हमारे भूगोल का सेशन है। आप लोग को अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दिया कीजिए। दूसरा हम लोग का प्रश्न क्या है? दार्जिलिंग एवं मरे नदी किस देश में प्रवाहित होता है? क्या बताना है? दार्जिलिंग एवं मरे नदी किस देश में प्रवाहित होता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर आप लोग का ऑस्ट्रेलिया होगा। और यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें, विश्व का सबसे लंबी नदी तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? नील नदी। और ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी तो हो गया नील नदी। अगर विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें, चौड़ी नदी तो आप लोग का हो जाएगा अमेजन। क्या होगा? अमेजन। और ये दक्षिणी अमेरिका में बहता है। इसके बाद हम देख रहे हैं चीन। तो चीन का अगर नदी की बात करें तो चीन का कौन सी नदी हो जाएगा? इसका नदी सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करें तो हो जाएगा यांगसिंग हो जाएगा। इसे पीली नदी भी बोलते हैं।
ये चीन का नदी है और एशिया का सबसे लंबी नदी है, एशिया का सबसे लंबी नदी है। अगर हम अमेरिका के बात करें तो अमेरिका की सबसे लंबी नदी उत्तरी अमेरिका का तो मिसिसिपी हो जाएगा। मिसिसिपी एवं मिसोरी होगा। क्या होगा? मैसूरी हो जाएगा। ये हमारे कहाँ का होगा? अमेरिका का होगा। अब हम एक और बच रहा है, क्या है? यूरोप। अगर यूरोप की हम सबसे लंबी नदी की बात करें तो यूरोप का सबसे लंबी नदी हो जाएगा बोल्गा। क्या होगा? बोल्गा नदी है और ये कैस्पियन सागर में गिर, मतलब इसका जो मुहाना है कैस्पियन सागर में। कहाँ है? कैस्पियन सागर में। कैस्पियन सागर में है ये तो हम लोग का हो गया। अगर हम भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी है। कौन है? तो गंगा नदी हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। और सबसे चौड़ी नदी भारत की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत की सबसे चौड़ी नदी। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, बालकस झील किस देश में स्थित है? क्या बताना है? बालकस झील किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान एशिया में है। कहाँ है? एशिया महाद्वीप का देश है। अरे मध्य एशिया का है। कहाँ का है? मध्य एशिया का। ये स्थलरूप देश है। क्या है? स्थलरूप देश है। ये स्थल रूप देश है और सबसे बड़ी स्थल रूप देश है। क्या है? सबसे बड़ी। पूरे विश्व का सबसे बड़ी स्थल रूप देश है ये जो है कजाकिस्तान। इसके बाद हम बात करते हैं चीन का झील का। तो चीन में आप देखेंगे तो पेंगोंग है जिसका विस्तार भारत में भी है। भारत के उत्तर में है और चीन के दक्षिण में है। क्या है? पेंगोंग झील है। ये कहाँ है? चीन का दक्षिण में इसका विस्तार है और भारत का उत्तर में। इसके बाद हम देखते हैं रूस के। तो रूस का झील के अगर आप देखेंगे तो सबसे गहरा झील विश्व का जो है वो रूस में स्थित है। इसका नाम क्या है? बैकाल झील। क्या है? बैकाल झील है और विश्व के सबसे गहरा झील है। सबसे गहरा झील है, विश्व के सबसे गहरा झील का किस देश में स्थित है? तो उसका देखेंगे तो आंसर में एशिया यूरोप सॉरी रूस हो जाएगा। और किस महाद्वीप में स्थित है? तो आप देखेंगे तो एशिया होगा। कहाँ होगा? एशिया हो जाएगा। इसके बाद क्या है? तुर्की। अगर तुर्की की बात करें कि कौन सी महाद्वीप में है तो ये एशिया और यूरोप इसके दोनों देश में इसका विस्तार है। और इसका अगर बात करें इस झील का, यहाँ पर कौन सा झील है? तो मृत सागर है। कौन सा है? मृत सागर झील है। मृत सागर झील है जो कि विश्व के सबसे खारे पानी का झील है। क्या है? विश्व के सबसे खारे पानी का झील। ये हम लोग का आज का थर्ड नंबर हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? मकालू शिखर अवस्थित है। क्या है? मकालू शिखर अवस्थित है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा नेपाल। क्या होगा? नेपाल हो जाएगा। और ये नेपाल के अगर बोले कि शिखर में, तो विश्व के सबसे ऊंची चोटी जो है, विश्व के सबसे ऊंची चोटी जिसे हम एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, ये भी नेपाल में ही है। कहाँ है? नेपाल में है। अरे जो आप मकालू देख रहे हैं कौन से हिमालय श्रेणी में है? तो महान हिमालय श्रेणी में। कौन में है? महान। अगर विश्व के सबसे ऊंची चोटियों की बात करें किस श्रेणी में स्थित है, तो विश्व के सबसे ऊंची चोटियों जितना भी है जैसे, तो वो आप देखेंगे तो महान हिमालय में। एवरेस्ट भी है।
एवरेस्ट भी जो है ये भी महान हिमालय में ही स्थित है, महान हिमालय का ही एक चोटी है, और ये भी नेपाल में, कहाँ है, नेपाल में है, नेपाल में। अन्नपूर्णा भी है, नेपाल में ही स्थित है। धोला धोलागिरी भी है, आपको नेपाल में ही देखने को मिलेगा। भारत के अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत के सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा कंचनजंगा। अगर इसके पूर्व बात करें तो इसका हो जाएगा क्या होगा, केटू होगा, केटू है। लेकिन अभी केटू का विस्तार के बात करें तो अभी पीओके में है, तो ज़्यादातर अभी पूछा जाता है प्रश्न में तो आपको कंचनजंगा ही होगा। और किस राज्य में है कंचनजंगा, तो सिक्किम में स्थित है। कहाँ है, सिक्किम में। ये भी महान हिमालय का ही एक चोटी है। किसका है, महान हिमालय का। और केटू कहाँ स्थित है, तो केटू लद्दाख में है, लद्दाख में है, ये पीओके में स्थित है। और केटू किस मतलब हिमालय श्रेणी की चोटी है, तो काराकोरम श्रेणी की चोटी है। किसका है, काराकोरम का। अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हैं, गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। बताना आप लोग के है गिरनार पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। बी में क्या है, तो गुजरात है। और ये गुजरात के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है, गुजरात के दक्षिण में। जैसे आप देखेंगे मैप से, ये हमारे भारत है, तो इस भाग में ये जो है से गिरनार के पहाड़ी स्थित है। और गिरनार के पहाड़ी में ही एक अभयारण्य है, जिसे हम लोग गिर अभयारण्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिर अभयारण्य। और पूरे एशिया का जो शेर है वो यहीं पर मिलता है, गिर अभयारण्य में ही। कहाँ मिलता है, गिर अभयारण्य में ही। एशिया का शेर जो है एकमात्र अभयारण्य भारत का वहीं मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक आप देखेंगे तो इस भाग में है, और ये पश्चिमी घाट भी कर्नाटक में स्थित है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कर्नाटक की बात करें तो क्या होगा, डोडा बेटा। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो डोडा बेटा। इसके बाद आप देख रहे हैं बिहार। बिहार का अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो क्या है, सोमेश्वर है। सोमेश्वर चोटी है, किसका है, शिवालिक के भाग है। अरे डोडा बेटा किस पर्वत श्रेणी के भाग है, तो पश्चिमी घाट का है, और ये डोडा बेटा है। और इसका अगर श्रेणी की बात करें तो नीलगिरी का है। किसका है, नीलगिरी का। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान का सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर है। और गुरु शिखर किस हिमालय या किस पहाड़ पठार का भाग है, तो आप देखेंगे तो किसका है, अरावली का है। किसका है, अरावली का सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर है। और राजस्थान का भी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर ही है। हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, हम लोग का अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। क्या है, किस राज्य की सीमा चीन से लगती है, जुड़ी हुई है, आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर अगर आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम चीन के बात करें तो भारत से कितने पड़ोसी देश हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो सात हैं। कितने हैं, स्थल से हम बात कर रहे हैं, सात देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं तो हम देखते हैं देश, तो आप देखेंगे तो क्या होगा, बांग्लादेश। पहला देखेंगे आप बांग्लादेश, फिर देखेंगे चीन, पाक देखेंगे, फिर आप देखेंगे हो जाएगा नेपाल, फिर देखेंगे तो म्यांमार, भूटान, एक और जो देखेंगे हो जाएगा अफगानिस्तान।
ये हमारे 7 देश हैं जो भारत के स्थल से सीमा साझा करते हैं। कितने हैं? 7 हैं। पहला देखेंगे बांग्लादेश, चीन, पाक, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। अगर इसकी लंबाई की बात करें, कौन ऐसा देश है जिसका सीमा भारत से सबसे अधिक लगता है स्थल में, तो आप देखेंगे तो हो जाएगा बांग्लादेश, 4096.6 किलोमीटर, ये हमारे बांग्लादेश का हो गया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो चीन है, क्या है? चीन है। चीन से कितना लगता है? तो 3488 किलोमीटर चीन से सीमा भारत का लगता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके बाद क्या है? पाकिस्तान है। पाकिस्तान है इसका आंसर। इसका अगर आप देखेंगे लंबाई तो 3323 किलोमीटर है। कितना है? 3323 किलोमीटर। इसके बाद आप देखते हैं क्या है? नेपाल है। नेपाल का कितना लगता है? तो आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा 1751 किलोमीटर। इसके बाद आप देख रहे हैं म्यांमार है। इसका अगर बात करें तो इसका 1643 किलोमीटर है। क्या है? 1643 किलोमीटर। भूटान का अगर देखेंगे तो हो जाएगा 699 किलोमीटर और अफगानिस्तान का 106 किलोमीटर। तो हमारे भारत देश से कितने स्थल से सीमा लगता है देशों की? तो होता है 7। कौन कौन सा है? तो आप देख रहे हैं, एक मिनट पेन चेंज करते हैं। तो आप देखेंगे पहला हो जाएगा बांग्लादेश, फिर चीन, पाकिस्तान, फिर हो जाएगा नेपाल, म्यांमार, फिर भूटान और अफगानिस्तान। ये हमारे 7 है जो स्थल से सीमा साझा करते हैं। तो हमारे अगर हम चीन से बात करें कितने राज्यों की सीमा लगता है, तो एक आप देख लिए क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आप देखेंगे तो हो जाएगा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड होगा, और फिर सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश। कितने से लगता है? तो 5 से। इसमें आप नागालैंड देख रहे हैं, नागालैंड, मणिपुर, ये दोनों का सीमा म्यांमार से लगता है। इसमें आप असम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? असम। तो असम का सीमा लगता है भूटान और बांग्लादेश से। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है? मिसिसिपी और मिसोरी है, बताना आपको है कि मिसिसिपी और मिसोरी क्या है। दो नदी है, यूएसए की दो नदी और दो राज्यों की नाम भी है, उत्तरी अमेरिका के घास का प्रदेश है, तो आपको ये बताना है। तो क्या है? ये यूएसए की दो नदी है। क्या है? यूएसए की दो नदी है, और इसी नदी पर इसका दो नाम भी पड़ा हुआ है। दो एक तो आप देखेंगे तो मेक्सिको हो जाएगा और एक और है द्वीपीय देश है। तो दो देशों के नाम भी इस पर आधारित है और ये दो नदी भी है, और ये उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। क्या है? उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, और ये गिरती कहाँ है? तो कैस्पियन सागर के में, अगर मेक्सिको की खाड़ी है वहाँ गिरती है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये ऑप्शन जो आपका सी है कि उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान, तो उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरियार, पेरी या पेरियार भी बोलते हैं। ये हम लोग का हो गया प्रश्न। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न क्या है, आप लोग देख सकते हैं। किन दो, यहाँ पर गलत हो गया, देश, किन दो देशों को 38 डिग्री समांतर रेखा अलग करती है? आपको बताना है कि जो 38 डिग्री समांतर रेखा है ये किन दो देशों के बीच है, मतलब स्थित है, और किन दो देशों के बीच सीमा लगती है और दोनों को अलग करती है। तो इसका आप ऑप्शन देखेंगे तो पहला क्या है? उत्तरी एवं दक्षिणी यमन। आप बी देखेंगे तो है उत्तरी और दक्षिणी मेक्सिको। तीसरा देखेंगे तो रूस जापान है, और चौथा देखेंगे तो क्या है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। और हमारा आंसर भी होगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया।
उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बात करें तो ये द्वीपीय देश है और एक प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, और ये एशिया का देश है। ये सबसे एशिया के सबसे पूर्व में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये दोनों देश 38 डिग्री समांतर रेखा से अलग होते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कुछ सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसका हम अलग एक आप लोग को एपिसोड में ला देंगे। यहाँ पे इतना ही देखिए। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है? हमें ये बताना है कि विश्व में प्रायद्वीप जो है उसमें सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सी है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्या होगा, सी होगा, अरेबियन प्रायद्वीप जो है, या जिसे अरब प्रदीप भी बोलते हैं, अरेबियन प्रदीप भी बोलते हैं। तो ये हमारे सबसे बड़ा है, क्या है, सबसे बड़ा है। इसके बाद के अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो हमारे डक्कन का होता है, क्या है, डक्कन प्रायद्वीप। विश्व के सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरेबियन प्रायद्वीप है। अगर दूसरे पर बात करें तो हमारे भारत का डक्कन प्रायद्वीप है, क्या है, डक्कन प्रायद्वीप है। और तीसरे पर बात अगर आप करेंगे तो तीसरे पर आपका हो जाएगा इंडो चाइना प्रायद्वीप, क्या है, इंडो चाइना प्रायद्वीप तीसरे पर है। दूसरे पर हमारे भारत का डक्कन का प्रायद्वीप है, और प्रथम पर कौन है, तो अरबियन प्रायद्वीप है। अब हम लोग आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। हम लोग का आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि विश्व के सबसे बड़ा सागर कौन सा है। हम लोग को बताना है विश्व के सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो सागर के बात कर रहा है, तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका सागर हो जाएगा दक्षिणी चीन सागर, क्या होगा, दक्षिणी चीन सागर जो है विश्व के सबसे बड़ा सागर है। कैस्पियन सागर जो है इसे झील में गिना जाता है, और ये चारों ओर से देश से घिरा हुआ, और हम झील किसे बोलते हैं, झील उसे बोलते हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। और सागर किसको बोलते हैं, एक तरफ से स्थल से और तीन तरफ से जल से घिरा होता है। उसी तरह से हम प्रायद्वीप देख रहे थे, तो प्रायद्वीप का मतलब होता है कि तीन तरफ से तीन तरफ से जल से घिरा होता है, होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। और द्वीप हम लोग किसे बोलते हैं, तो द्वीप उसे बोलते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, उसे हम लोग द्वीप बोलते हैं। तो हमारा कैस्पियन सबसे विश्व के बड़ी सागर कौन सा हो गया, दक्षिणी चीन सागर। सबसे बड़ी झील की बात करें तो कैस्पियन सागर है, और ये काला सागर भी है। काला सागर को हम लोग झील के नाम से झील बोलते हैं, उसका सागर नहीं बोलते हैं। और एक जापान सागर भी है, ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो आज का हम लोग का प्रश्न ख़त्म होता है, और अगले सेशन में आप लोग को और देखने को मिलेगा। अगर हम लोग का सेशन या हम लोग का जो हमारे कोचिंग संस्था से जो कराया जा रहा है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और बहुत सारा ऐसे शेयर कीजिए, जिससे हम लोग को और भी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।